राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम है आपकी आवाज। ईवीएम की सुरक्षा का निरीक्षण करने भोपाल जेल पहुंचे निर्वाचन आयोग मुख्य पदाधिकारी वीएल कांताराव और सुरेश पचौरी सहित कांग्रेस के कई नेता। भोपाल जेल में सुरक्षा का निरीक्षण करने के बाद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग मुख्य पदाधिकारी वीएल कांताराव ने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा निर्देश अनुसार की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ ना हो ये सुनिश्चित करना जरूरी है और पार्टी के जो भी प्रतिनिधि सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं उन्हें वहाँ सोने ना दिया जाए। प्रदेश के अनेक भागों से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये शिकायत आई है कि जो हमारे साथी ईवीएम मशीन की निगरानी के लिए सो रहे हैं वहाँ उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफी दूर उन्हें सोने को कहा जा रहा है, जहाँ से ईवीएम मशीन का जो कमरा है जहाँ वो रखी हुई वो विजिबल नहीं। कानून कहीं ये नहीं कहता कि आप काफी दूर सोने की परमिशन दो, फिर तो सोने की परमिशन आप अपने घर भी दे सकते हैं तुम्हारी और कहें कि एलईडी में वहां से आप देख लीजिए, सीसीटीवी में आप घर से देख लीजिए, तो कोई औचित्य नहीं। हमारा आग्रह दिल्ली में भी चुनाव आयोग से ये रहा है और मध्य प्रदेश में भी निर्वाचन आयोग के सीईओ साहब से ये रहा है कि वो विभिन्न जिलों में कलेक्टरों को निर्देश दें कि विभिन्न राजनीतिक पार्टी के जो प्रतिनिधि ईवीएम की निगरानी के वास्ते सोने आए हैं ऐसा किया जाए कि वहां से जिस कमरे में ईवीएम मशीन रखी हुई है वो विजिबल हो। नंबर एक, कई जगह तो ये है कि 2003 में जहां राजनीतिक दो हजार तेरह में जहां राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को सोने की अनुमति दी गई थी वहां भी अब उनको नहीं दी जा रही। तो हमारा आग्रह ये है कि पारदर्शिता रहे, जहां रखी हुई है उसकी निगरानी में, इसलिए जो राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनकी सोने की ऐसी जगह इतनी दूरी पर व्यवस्था की जाए कि ईवीएम मशीन में रखे हुआ कमरा विजिबल हो। नंबर एक। नंबर दो, इन्वर्टर की और बाकी व्यवस्था ऐसी की जाए कि अगर लाइट गोल हो जाए तो भी एलईडी और सीसीटीवी काम करे। नंबर तीन, सीसीटीवी एलईडी या इलेक्ट्रिसिटी में मेंटेनेंस के नाम पर जो लोग यहां काम करने आ रहे हैं उन्हें लैपटॉप सहित यहां आने की इजाजत ना मिले। लैपटॉप का मेंटेनेंस में क्या काम, तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से पाबंदी लैपटॉप सहित आने वाले के लिए होनी चाहिए और लैपटॉप बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। काउंटिंग सेंटर के निरीक्षण करने के लिए हम आए यहाँ पे और साथ में हमने जो कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स के जो इलेक्शन एजेंट जो यहाँ मौजूद थे उनको साथ में लेके गए और उनका पूरा निरीक्षण कराया है कि हमारा क्या सुरक्षा इंतजाम है। पहली बात तो ये है कि हमारा जो स्ट्रांग रूम है ये पोल्ड ईवीएम्स रखने वाली जो स्ट्रांग रूम है, जो उपयोग ना किए गए जो ईवीएम और वीवीपैट से वो अलग जगह रखे हुए हैं। दिस इज द पोल्ड ईवीएम का स्ट्रांग रूम, इसका हमने विजिट किया। यहाँ पर तीन कॉर्डन में सुरक्षा व्यवस्था है, एक आउटर कॉर्डन है जहाँ हम लोग खड़े हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, एक इनर कॉर्डन है जहाँ पर स्पेशल आर्म्ड पुलिस है और एक बहुत ही अंदर में जो फर्स्ट कॉर्डन है जहाँ पर सीआईएसएफ के लोग लगे हुए हैं। सर खनबा, आज हमने इस विजिट के दौरान देखा है कि सारे जो इंस्ट्रक्शंस है इलेक्शन कमीशन का वो यहाँ पर 100% फॉलो हो रहे हैं। पहली बात तो जब भी कोई विजिट करने आते हैं तो उनका रजिस्टर में एंट्री किया जाता है, उनके मोबाइल डिपॉजिट किया जाते हैं तीसरे कॉर्डन में, माने जो सबसे आउटर कॉर्डन में उनका मोबाइल और उनका सारी चीज़ डिपॉजिट किया जाता है, फिर वो वहाँ से एंटर करते हैं। तो जो एसएएफ का जो कॉर्डन है उनका फिस्किंग करते हैं, फिर अंदर जो सीएएसएफ है वहाँ पर वीडियोग्राफी होती है, वहाँ पर एंट्री होती है, वहाँ पर फिस्किंग होती है और पूरा सुरक्षा का व्यवस्था हमने देखा है एंड इट इज़ कम्प्लीटली
फुल प्रूफ, इट इज फुल्ली एज पर द इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संजय सोनी की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।